हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआईसी का जो लेटेस्ट अपडेट आया, लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो एक नई प्रोसेस आई है जो इंश्योरेंस वूमेन है उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही पीएफ एसआईसी एंड कंप्लायंस रिलेटेड अपडेट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसआईसी का जो आज सर्कुलर जारी किया गया 22 सितंबर 2022 को, क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन ऑफ कैश बेनिफिट आईपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। जो सर्कुलर जारी किया गया 22 सितंबर 2020, क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर कैश बेनिफिट आईपी पोर्टल रिगार्डिंग। दोस्तों, जो भी आप कोई भी क्लेम रिक्वेस्ट, जैसे आपका डॉक्टर बिल हो गया, अगर आप मेटर्निटी बेनिफिट के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो आप जो बेनिफिट है वो आईपी जो होते हैं एसआईसी ऑफिस ना जाके आप अपना आईपी पोर्टल के थ्रू आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दो। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको इसमें जो भी आप क्लेम अप्लाई करो वो ऑनलाइन करो, जिसमें मेटर्निटी क्लेम हैज़ बीन डिप्लॉयड। तो जो मेटर्निटी का जो क्लेम का था वो बहुत ही इश्यू था, क्योंकि जो मेटर्निटी वुमेन महिला है वो परेशान हो रही थी, क्योंकि डिस्पेंसरी में जाना पड़ता था, वहाँ फॉर्म सबमिट करने पड़ते थे, फिर कंपनी में जाना पड़ता था, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी फाइनली एसआईसी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ये ऑप्शन दे दिया कि वो मेटर्निटी क्लेम भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि आपका जो मेटर्निटी जो भी अप्लाई कर रहे हैं क्लेम, तो उनका सबसे पहले उनका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट होना चाहिए, और उनका जो आईपी से यूएन नंबर लिंक होना जरूरी है। तो द इंश्योरेंस वुमेन हुज यूएन नंबर हैज बीन सीडेड इन द सिस्टम कैन क्लेम फॉर मेटर्निटी बेनिफिट थ्रू आईपी पोर्टल। जो मैनुअल है वो दे रखा था, मैनुअल के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने साथ वालों को शेयर जरूर कीजिए। तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कीजिए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन जो भी प्रोसेस होती है वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं मैनुअल पे। मैनुअल पे दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आईपी पोर्टल है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि अपना आईपी पोर्टल क्या होता है, कैसे लॉगिन करें, तो वहाँ पे आपको मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ से जाके आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको sic.in पे जाना है, जाके फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको वो पोर्टल ओपन हो जाएगा ऐसा। इसमें पहला आता है एम्प्लॉयर लॉगिन, फिर आता है इंश्योरेंस पर्सन बेनिफिशियरी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका पोर्टल ओपन होगा, ये वाला आईपी पोर्टल जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस पर्सन या बेनिफिशियरी लॉगिन बोलते हैं। तो इंश्योरेंस पर्सन, तो यहाँ पे आपका यूजर नेम में आपका जो आईपी नंबर होता है, अगर आपके पास अभी तक आईपी नंबर नहीं है, आपको सैलरी स्लिप में चेक कीजिए। तो दोस्तों, इनका जो बेनिफिट आईपी में आपको पता है, जिनकी ग्रोथ सैलरी 21,000 तक है, वही एसआईसी का बेनिफिट ले सकता है। यूजर नेम पासवर्ड, अगर अभी तक आपने अगर नहीं बनाया तो पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। आईपी पोर्टल सिक्योर लॉगिन हेल्प फाइल यहाँ पे दे रखी है, मैंने आज पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसके माध्यम से आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बना सकते हो। तो ये हो गया, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में जो आईपी पोर्टल वो हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन देखिए जो कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन, इस पर मैंने ऑलरेडी अपडेट जब आया था नया ऑप्शन, उसके बारे में बताया था कि ऑप्शन के माध्यम से आपके जो भी अपने मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो इसके थ्रू करवा सकते हो, अगर आपके वहाँ पे नियर बाई डिस्पेंसरी नहीं हो। तो आपको इस पर क्लिक कर देना, कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपके पास आएगा ये फॉर्म, लिस्ट ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय डिस्पेंसरी हॉस्पिटल विल बी डिस्प्ले हियर। तो अगर आप लिस्ट जो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, वहाँ पे आपको लिस्ट होगी, और आपका कौन कौन सा आप क्लेम कर रहे हो वो आपको यहाँ टाइप दिखेगा। यहाँ पर जो मेटर्निटी बेनिफिट है वो आ गया, फिर सब टाइप आ गया, एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंट, फिर डेट एंड टाइम आ गया, और रिक्वेस्ट क्लेम, क्लिक हियर टू रेज रिक्वेस्ट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो इसमें अगर आपको अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपके तीन कारण हैं, इन तीन कारणों के आप तभी कर पाओगे जब आपके तीन पॉइंट्स आपके ओके होंगे। तो सबसे पहले आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका अपडेट एंड वेरीफाई होना चाहिए, जिसमें आपका जो चेक की या बैंक की पासबुक की फोटो भी अपलोड होनी चाहिए, और आपका यूएन है वो आईपी से लिंक होना चाहिए। तो ये जो सभी तीनों चीज़ें हैं वो आपके आपकी कंपनी से आपको करवानी है, अपने एचआर से कॉन्टैक्ट करके आपको ये करवानी है, तभी आप अपना मेटर्निटी बेनिफिट या कैश बेनिफिट मेडिकल बेनिफिट वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और फिर आपको जाना है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर टू मेटर्निटी बेनिफिट सर्टिफिकेट क्रिएटेड बाय डॉक्टर। जो आपको डॉक्टर ने मेटर्निटी सर्टिफिकेट दिया है, जो भी आपने नियर बाय डिस्पेंसरी में गए हो, तो आपको डिस्पेंसरी में आपको डॉक्टर वो सर्टिफिकेट देगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा, और वो आपको डिटेल यहाँ पे इंटर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
तो ये क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा, आईपी नंबर हो जाएगा, इश्यू डेट हो जाएगा, नेम ऑफ हस्बैंड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेटेड हो जाएगा, फिर कॉन्फिडमेंट टाइप हो जाएगा, फिर डॉक्टर का नाम हो जाएगा, फिर आईपी नेम हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नेम, सब यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये क्रिएट करना है मेटरनिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स। फिर आपको नीचे जाना है, फिर आपको यहाँ पे आई हियर बाई एग्री फॉलो एक पॉइंट है जो आपको फॉलो कर लेना, फिर आपको अटैचमेंट्स करना, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो भी क्लेम है वो आपको रिक्वेस्ट पूछेगा कि आप ये सच में आप सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पे यस पे क्लिक कर दें। अगर आपको कुछ चेंज करना तो नो पे आप करके अपना चेंज कर सकते हैं। तो आपको यस पे क्लिक करते ना, यस पे क्लिक करते ही जो आपका क्लेम है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो क्लेम है वो आसानी आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये सब अब जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी एसआईसी डिपार्टमेंट के पास जो स्टाफ पोर्टल पे। तो जो पोर्टल के लिए भी उन्होंने जो पूरी प्रोसेस है वो बताई, स्टाफ पोर्टल है जो आईपी पोर्टल, जो आपके इंश्योरेंस जो भी एसआईसी ऑफिस में बैठते हैं जो भी क्लर्क हैं वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको ये लॉगिन डिटेल्स यहाँ से होगी, फिर ये रिक्वेस्ट जाएंगे कैश बेनिफिट एंड क्लेम रिक्वेस्ट पे। तो वहाँ जाके फिर ये चेक करेंगे डिटेल्स अपनी, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर लिस्ट ऑफ जो भी जिनकी कैश रिक्वेस्ट आई होगी वहाँ पे शो होगी, फिर आपको क्लिक आईपी नंबर पे क्लिक करेंगे तो उनका जो भी रिक्वेस्ट आई होगी पूरी डिटेल इनको शो होगी। फिर अपने इस पे डिटेक्टर जो क्रिएट किया गया वो आप यहाँ पे चेक करेंगे सर्टिफिकेट वगैरह। फिर आपको प्रोसेस फॉर क्लेम क्रिएशन पे क्लिक करते ही जो भी आपका जो पैसा बनता है वो आपके अकाउंट में आपको क्रिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको आसानी से अब इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रोसेस बना दी है। तो ये जो मेटर्निटी जो बेनिफिट लेते हैं महिलाएं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इनके आसानी से वो अपना मेटर्निटी बेनिफिट ले सकते हैं और क्लेम ले सकते हैं। जो बहुत सारी अभी प्रॉब्लम आ रही थी जो कि कई कारणों की वजह से जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, वो इसके आशा करते हैं इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आसानी से क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जो ये पीपीटी है और जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे जो लिंक्डइन के पेज पे वो आपको वहाँ मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।